से नाराज हो। मैं क्यों आपसे नाराज होंगी? क्योंकि मैंने कहा कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। तो आपने कौन सा गलत कहा? आपने तो वही कहा जो आपके दिल में था, और दिल की बात वक्त आने पे कह देनी चाहिए, वरना वक्त निकल जाता है और दिल की बात बोझ बन के रह जाती है दिल पे। तुम रो रही हो? पीछे क्या रखा है तुमने छुपा? शो टू मी, कम ऑन, जस्ट श्राइल जूनियर। ये सब मुझे सुबह ये बताना चाह रही थी कि तुम बताना चाहती थी, लेकिन सोचा नहीं था कि ये बात मुझे छुपानी पड़ेगी। क्या टाइमिंग है ना हमारी, ये बात कि आपको बच्चा नहीं चाहिए मुझे उस दिन पता चलता है जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि लगता है। मतलब क्या निका? ऐसा मुझे लगता है, पक्का नहीं है, मैंने कोई टेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बच्चा नहीं चाहिए ना, तो सोचना भी क्या कह दिया मैंने बाहर, और ऊपर क्या बीत रही होगी अनिका? सॉरी अनिका, तुम पागल हो क्या? मैं बताना चाहिए था ना मुझे, अगर सुबह नहीं बता पाई तो बाहर बता देती। व्हाई डिडंट यू जस्ट मैं आपको परेशान करना ही नहीं चाहती थी। मैं नहीं, ये न्यूज़ सुनकर मैं परेशान हो जाऊंगा? तुम्हें लगता है मैं परेशान? आई एम सॉरी, मैं जानता हूं मैंने अभी बाहर कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब जो है सो है। अनिका, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके, जो भी है, ये बच्चा हमारा है, तुम्हारा, मेरा, हम दोनों का, तो ये जिम्मेदारी भी हम दोनों की होगी ना, हमारी होगी। शिवाय सिंह को भरोसा है ना, अपनी जिम्मेदारी से कभी भागता नहीं है। अनिका, टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव, मैं तुम्हारे साथ ओके। फिर 9 महीने है ना, इतने टाइम में मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, I'm just getting used to it. Anika, तुम रो मत, प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? कुछ भी हो जाए, I'm with... टेस्ट नेगेटिव है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। क्या? मुझे तो लगा था कि ये सुन के कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं आप खुश हो जाएंगे। पता नहीं एक रात में मैं कैसे बदल गया अनिक, तुम्हारी प्रेगनेंसी वाली न्यूज सुनते ही ना, जैसे मेरे सारे हेजिटेशन, सारे सारे डर गायब हो गए। और हाँ, ये नेगेटिव न्यूज सुनकर मुझे खुश होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मन ही मन में सोच रहा था कि शायद ये सच है। इस ख्याल से कि यू आर प्रेग्नेंट, आई वाज फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं सपने देखने लग गया था अनिका कि हमारी छोटी अनिका खो की, वो भी तुम्हारी तरह खिड़की तोड़, यू नो, मिनी खिड़की तोड़, और वो तुम्हारी तरह अजीब किस्म की लैंग्वेज बोलेगी। सब प्लान कर लिया था मैंने,
उसको रात को मैं सुलाऊंगा, बेड टाइम स्टोरीज पढ़ के, क्रिकेट भी मैं खिलाऊंगा, और जब वो बड़ी होगी ना तो उसे ड्राइविंग मैं सिखाऊंगा, और उसका बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं होगा उसे, उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ना सब मैं पूरी करूंगा। तो पूरी रात बैठ के आपने उसे बिगाड़ने की प्लानिंग की है? सब समझती हूँ मैं, आप ना वो वाले कूल डैडी बन के उसके फेवरेट बनते, और मैं बनती वो स्ट्रिक्ट कड़क वाली मम्मी। हाँ, वो हाँ, आपकी यही प्लानिंग थी। काश मैं समझ गई कि कुछ खुशियां ना जब आनी होती है तभी आती है, और वो सही कहते हैं कि अच्छी चीजों को वक्त लगता है।